हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइफा क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 हम लोग कर चुके हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1.4 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो दो क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज के अंदर और बहुत आसान से। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.4। मैं हूँ आजम और आप देख रहे हैं साइफा क्लासेस पे ये वीडियो, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है और हम लोग बुक से भी देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है कि विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो नंबर लाइन पे हमें 3.765 दिखाना है। तो बहुत आसान है ये। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, देखिए 3.765 जो नंबर है हमारा, इसको देखें ये नंबर किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो ये नंबर देखिए 3 से बड़ा और 4 से छोटा है। तो हमने जो पॉजिटिव नंबर की नंबर लाइन बनाई हुई है यहाँ पे 0 से 10 तक की, वहाँ पे देखिए ये नंबर कहीं 3 से आगे और 4 से पीछे, कहीं यहाँ इस बीच में, इस पोर्शन में ये नंबर आएगा। तो हमने क्या करा कि इसी वाले पोर्शन को जूम यानी मतलब मैग्नीफाइंग कर लेंगे। तो जब हमने इसको मैग्नीफाइंग किया तो 3 देखिए यहाँ पे आ गया और ये इसे हमने जूम कर लिया, ये 4। और फिर हमने 3 से 4 तक 10 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट। तो फिर देखिए अब आगे बढ़िए तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर 3.765 है, यानी 7 के बाद 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो फिर हमने फिर ये वाला पार्ट ले लिया 3.7, 3.8 और फिर हमने इसको मैग्नीफाइंग किया। इसको मैग्नीफाइंग किया तो 3.7 से शुरू और 3.8 पे लास्ट। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा। जब हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो फिर 3.7 के बाद 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 एंड 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.8। अब देखिए 3.76 के बाद 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 3.76 से बड़ा और 3.77 से छोटा है। तो फिर हमने 3.76 से 3.77 वाले पार्ट को मैग्नीफाइंग किया, क्योंकि नंबर यहाँ कहीं इनके बीच में आएगा, ठीक है। इसको हमने जूम कर लिया। जब हमने इसको जूम करा तो फिर 3.76 से ये पार्ट 3.77 तक है पूरा। तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में हमने फिर बांट दिया। तो फिर हमको क्या मिला, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 ये आ गया आपका नंबर 3.765। हमने आगे भी नंबर लिख दिए लेकिन हमें यहीं तक हमें ये देखना था कि ये नंबर कहाँ आएगा। तो 3.765 यहाँ पर आएगा ये नंबर। और इसी तरीके से सर्किल बना के, ठीक है, आप दिखा सकते हैं अपनी नोटबुक में भी, इसी तरह से आप सर्किल बना के दिखा सकते हैं कि नंबर यहाँ आया। इस तरह से ये सक्सेसिव मैग्नीफाइंग हुआ है, जूम करते गए एक एक पार्ट को और लास्टली हम नंबर तक पहुँच गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन पे भी मैंने ये लगा रखा है क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर जो हमसे हमें बताया गया कि 4.26 पे बार लगा हुआ है। और क्योंकि 4.26 पे अगर बार लगाए तो ये तो 4.26 26 26 ... इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और डेसिमल के बाद ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे कि आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको भी आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो इन्होंने कहा विजुलाइज 4.26 पे बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। और इन्होंने इसमें कंडीशन ये कर दी जिससे ये सवाल हो सके, क्योंकि 4.2666 चलते ही जा रहा है। आप कब तक नंबर लाइन जूम करते जाएंगे, जूम करते जाएंगे, बहुत जूम हो जाएगा, उसके बाद भी आप करेक्टली आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं है।
तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए 2.6 26 यानी मतलब डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक निकाल दीजिए, यानी मतलब आप ये नंबर इतना इतना पार्ट इसका 2626 4 प्लेस हो जाएंगे, यानी कि इतना पार्ट यहाँ था 4.2626, यानी कि इतना पार्ट आप डेसिमल के 4 प्लेस तक आप जो है नंबर लाइन पर शो कर दीजिए, यानी मतलब 4.2626 तक करना है। तो फिर सबसे पहले हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया था कि 0 से 10 तक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 0 से 10 तक हमने नंबर लाइन पे नंबर को शो कर दिया। उसके बाद देखिए नंबर 4 से ज़्यादा और 5 से कम है, तो 4 से ज़्यादा और 5 से कम, तो इसका मतलब ये इस पार्ट में कहीं आ रहा होगा। अब इस वाले पार्ट को उठाया हमने, मैग्नीफाइंग करा, जूम करा, देखिए 4 और फिर हमने इसके 10 पार्ट कर दिए। फिर देखिए नंबर 4.2 के बाद क्या आ रहा है, 6, यानी मतलब 4.2 से बड़ा और 4.3 से छोटा है, तो 4.2 और 4.3 वाला पार्ट ले लिया और इसे मैग्नीफाइंग करा। जब हमने इसे मैग्नीफाइंग करा तो ये आया 4.2 से शुरू हुआ 4.3 पर ख़त्म। तो इस तरीके से नंबर 4.21, 4.22, फिर 4.23 पिछले क्वेश्चन में हमने करा ही था, ठीक है। तो फिर आपका 4.26 यानी मतलब 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 4.62 आ रहा है, यानी मतलब नंबर 4.26 से बड़ा और 4.27 से छोटा, यानी मतलब ये वाली लाइन आएगी 4.26 से बड़ा और 4.27 से छोटा है नंबर, ठीक है, क्योंकि नंबर 4.26, 4.27 यानी अगर 6 के बाद 2 आ रहा है इसका मतलब 4.26 से बड़ा हो गया नंबर और 4.27 से छोटा हो गया, ठीक है। तो फिर नंबर यहाँ गई इसके बीच में कहीं आ रहा होगा, तो हमने फिर क्या करा, इसे जूम करा 4.26, 4.27 इसके 10 पार्ट कर दिए, तो 4.261, 4.262। अब 62 के बाद फिर 6 आ गया, यानी मतलब नंबर 4.26 से बड़ा और 4.263 से छोटा है, तो नंबर यहाँ कहीं आ रहा होगा। फिर हमने इस पार्ट को और जूम करा, जब हमने इसे जूम करा तो 4.26, 4.263, 4.26, 4.261, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 4.2626 आ गया, 4.2626। यही हमें पता करना था, तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस हमारी आ गई और यहाँ पर हमने इसको सर्किल बना दिया है कि ये है वो नंबर जो क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इतनी वीडियो, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।